अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो नोट की थी, उसमें मैंने बताया था कि आप टिकटॉक से कैसे अर्निंग कर सकते हैं और कितनी जल्दी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप ही हमारे अकाउंट तो हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम मतलब कंटेंट क्या बनाएं। कोई कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आती कि वीडियो किस तरह की बनाए। कोई कह रहा था कि मैं पैसे लगा के अकाउंट तो बना लूँगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आएगी कि मैंने वायरल कैसे का बिग टास्क। आप इजीली फेमस हो सकते हैं। आजकल तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी लड़कियां हैं वो गांव की हैं। लाइक हम जो शहर की लड़कियां होती हैं ना, वो गांव की लड़कियों को कम समझती हैं कि यार ये तो पेंडू है, इसने क्या करना है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि टिकटॉक पर हर तरफ गाँव की लड़कियाँ आई हुई हैं। लाइक वो उनको अलाउ तो नहीं होता सामने आना, लेकिन वो अपना फेस छुपाए बगैर, अपना फेस छुपा के सिर्फ इधर इर्द गिर्द का माहौल दिखा रहे होते हैं और वॉइस ओवर कर रहे होते हैं और अपनी बातों से अपना कंटेंट बना रहे होते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप किस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं और आप किस तरह वायरल हो सकते हैं। जी, पहली बार ही आती है उन लोगों की जिनको घर में अलाव है और वो उनको समझ नहीं आ रही कि हम वीडियो क्या बनाएं। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप सुबह से स्टार्ट हो, आप लोग मिनी व्लॉग्स बनाना शुरू करें टिकटॉक पे। 10 मिनट की वीडियो होती है, आप 10 मिनट की नहीं बना सकते, 5 मिनट की इजिली बन जाती है। सुबह आप उठे, सुबह उठते उठते सार वॉशरूम से फ्री फ्रू हो के जब आप जो काम करेंगे, बेडशीट ठीक करेंगे या कुछ करेंगे, जो जो आप काम करते जाएंगे और आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो आपने रिकॉर्ड करना है, जो जो आप खाते जाएंगे वो आपने रिकॉर्ड करना है कि हम ये खा रहे हैं, तो एक कंटेंट बन जाएगा। लाइक इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं। आते हैं वो लोग जिनको अलाउ तो है लेकिन वो कहते हैं यार हमें लोग पसंद नहीं करेंगे, हम क्या करें। तो आपके अंदर कोई तो होगा ना, आप जाएं कुकिंग करते हैं, आप बात अच्छी करते हैं, आप मेरे जैसे हैं, आपको बातें अच्छी करनी आती हैं, आप बैठे और वीडियो बनानी शुरू करें। अब आते हैं वो लोग जिनको अलाउ है ही नहीं, वो कहते हैं उनके घर वालों ने कहा ना तुम्हारी आवाज़ निकले घर से बाहर, ना तुम निकलो घर से बाहर, ना कुछ और निकले घर से बाहर। तो उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि जो फेमस एक्टर्स हैं या फेमस जो टिकटॉकर्स हैं, उनकी पिक्चर्स ले लें आप, उनकी आईडी से जाके स्क्रीनशॉट ले लें और टिकटॉक पे आके जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे होते हैं उनकी पिक्चर्स उन पर लगा दें, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। पैसे ही कमाने हैं ना, आप जिस तरह मर्जी कमा सकते हैं। वो लोग जिनको अलाउ है भी और नहीं भी, लाइक वो छुप के काम करना चाहते हैं, तो वो जैसे गांव की लड़कियां काम कर रही हैं कि लाइक इर्द गिर्द का माहौल दिखाएं और सिर्फ वॉइस ओवर करें, दैट्स इट। अब आते हैं वो लोग, वो कहते हैं कि जी हमें समझ ही नहीं आ रही, ना हमारे घर में कोई काम की चीज़ है, हम क्या दिखाएं। सारा दिन जो आप खाते पीते हैं उसकी वीडियो बनाना शुरू करते हैं कि अब हम ये खा रहे हैं, अब हम वो खा रहे हैं, दैट्स इट। अब आती हैं वो औरतें, ये तो होगी ना बच्चों की बात और बच्चियों की बात, अब आती हैं आंटियों की बारी, जो कि मदर्स हैं, जो कि एज ज़्यादा हैं, वो तो ऐसे डेली ब्लॉगिंग करती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, लाइक उनको सूट नहीं करता। तो वो ये करें कि वो सुबह की अपनी रूटीन शेयर करें कि हम उठी हूँ मैं तो मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, ये मुझे इस तरह तंग करता है, ये मुझे इस तरह तंग करता है, इसके लिए ये बना रही हूँ, उसके लिए वो बना रही हूँ, हल्की सी अपनी रेसिपी शेयर कर दें, दैट्स इट। और अब बारी आती है मॉडर्न लोगों की, वो जो मॉडर्न है वो हर कुछ कर सकती हैं और लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, लेकिन उनको समझ नहीं आती हमारा कंटेंट क्या है, हमें अलाउ भी है लेकिन हम मॉडर्न भी, हमें समझ फिर भी नहीं आ रही। तो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगी कि जो फेमस लोग होते हैं ना, लाइक बहुत सारे फेमस है, जस्ट लाइक द टिकटॉकर ऑफ द वर्ल्ड है जन्नत मिर्ज़ा, उसको फॉलो कर लें आप, जिस जिस ट्रेंड पर वो वीडियो बनाती है उस ट्रेंड पर वीडियो बनानी शुरू कर दें आप, तो आप फेमस हो जाएंगे। लाइक बहुत तरीके हैं फेमस होने के। लाइक मैंने हर किस्म के लोगों की बात बता दी कि आप किस टाइप का कंटेंट बना सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जी मेहनत, अगर आप ये सब कुछ फॉलो भी कर रहे हैं और आप फिर भी फेमस नहीं हो रहे ना, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप मेहनत नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप हफ्ते बाद आ रहे हैं और हफ्ते बाद आप एक वीडियो बना रहे हैं तो आप फेमस हो जाए और आप वायरल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको डेली कोई भी काम है, किसी भी काम में आपको कामयाबी चाहिए, आपको डेली करना पड़ेगा, अपने आप को चैलेंज देना पड़ेगा कि मैंने ये डेली काम करना है, डेली मैंने एक घंटा इस चीज़ के लिए निकालना है, फिर आप फेमस होंगे। वरना तो आपका बस एक ही काम रह जाएगा ज़िंदगी में कि सिर्फ स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करें। ये बातें जो अंदर की बातें हैं कोई नहीं बताता। मुझे अच्छा लगता है लोगों से बातें शेयर करना, मुझे अच्छा लगता है कि लोग मेरी बातें सुने, मुझे अच्छा लगता है लोग मुझे फॉलो करें और मुझे पसंद करें, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी मतलब जो सीक्रेट बातें वो भी शेयर। दूसरी बात, इन सब चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना आपकी, वो है आपका मोबाइल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जी आपके पास गंदा सा मोबाइल है
और ऊपर से आप उसके ऊपर खट्टा सा फिल्टर लगा रहे हैं और आप वीडियो बना रहे हैं, आप बिल्कुल भी वायरल नहीं होंगे। अगर आपके पास गंदा सा मोबाइल भी है ना, लाइक हल्की क्वालिटी का भी मोबाइल है ना, तो आप फिल्टर के बगैर वीडियो बनाएं ताकि कुछ साफ आए आपकी वीडियो तो लोग आपको देख सके। जैसे आप मेरी वीडियो साफ़ है तो आपको अच्छा भी लग रहा है देखने में, अगर मेरी वीडियो धुंधली सी होगी, इसे अजीब सी आ रही होगी, ऊपर से मैंने तेज़ फिल्टर लगाए होंगे, तो मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। तो क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, रोज़ वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है और कंटेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ों पे अगर आप अमल कर लेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। और एक दफ़ा इसमें, इन सारी चीज़ों में नो डाउट कि लक भी काम करती है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि वो कुछ भी नहीं करते, आपके मतलब आपकी नज़रों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कुछ भी नहीं करते लेकिन वो फेमस है, उनका कोई रिजल्ट भी इतना खास नहीं है लेकिन वो फेमस है, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और बाकी उनकी किस्मत थी। नो डाउट किस्मत हर जगह साथ देती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है आप घर बैठे बैठे फेमस हो जाए, कुछ हिले जुलेंगे तो ही फेमस होंगे। तो मैंने आपके साथ अपने सारे सीक्रेट शेयर कर दिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे कैसे चलना है और कैसे वायरल होना है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।